Hey guys, what's up? This is Jay Kapoor here, back again with another interesting video. And इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेव ब्राउज़र की। ब्रेव ब्राउज़र, जब भी मैं कोई गूगल क्रोम एक्सटेंशन का वीडियो बनाता हूँ, इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई ब्रेव यूज़ करो, ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करो। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था। मीडियम पे एक आर्टिकल रिकमेंड हुआ कि डोंट यूज़ ब्रेव ब्राउज़र, एंड उस पर थोड़ी अटेंशन आपकी लाना चाहता हूँ जनता लोगों की, कि इसको देखो, इसको पढ़ो, क्या कर रही थी कंपनी। मतलब ये सारी पास्ट वाली हरकतें हैं, ये बग इन्होंने कब का फिक्स कर दिया है, बट ये कभी किया था वो ज़्यादा नोटिसेबल है, ये कभी इन लोगों ने किया था। तो बेसिकली क्या कर रहे थे, ये किसी क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट में अपना एफिलिएट कोड इंजेक्ट कर रहे थे। सो एफिलिएट होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं, मेरे कोड से खरीदें तो आई विल गेट अ स्मॉल कमीशन, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है उस अमाउंट का जितने की चीज़ आपने खरीदी है। सो दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएट। तो एफिलिएट हर जगह होता है, डोमेन्स में होता है, होस्टिंग में होता है, शॉपिंग में होता है, हर जगह एफिलिएट आपको मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू सर्च कि फलाना फलाना वेबसाइट एफिलिएट प्रोग्राम, एंड यू विल बी रीडायरेक्ट टू द वेबसाइट। मतलब बेसिकली सेल इंक्रीज़ करने के लिए हर कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम होता है। तो ये क्या कर रहे थे, किसी क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट में अपना एफिलिएट कोड खुद ही इंजेक्ट कर रहे थे। नाउ ये प्रैक्टिस इंटेंशन के साथ की जाती है, कोड करनी पड़ेगी कि जेएस में लगाना पड़ेगा, ये सब ये दिमाग लगा के इन लोगों ने करा होगा कभी। जब ये पकड़े गए, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब नहीं कर रहे हम। मतलब दे हैव रिलीज्ड अ वर्जन विद द फिक्स्ड थिंग कि अब इंजेक्ट नहीं करेंगे एफिलिएट कोड। आप एक बार आर्टिकल पढ़िए, पूरे आर्टिकल में ये समझाया गया कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट दे डिड, इट्स अबाउट द माइंडसेट, कि इन्होंने एक बार ऐसा कुछ करा है तो बार बार भी कुछ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट वेरी प्रिवेसी फ्रेंडली। ऑथर ये कहता कि मैं फायरफॉक्स यूज़ कर लूँगा यार, एड ब्लॉकर एक्सटेंशंस के साथ, इस सब के साथ, दैट विल वर्क बेटर फॉर मी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रेव ब्राउज़र, जो ट्रेंड में चल रहा है कि क्रोम नहीं यूज़ कर रहे, ब्रेव यूज़ कर लो। सो अगर आप ऑलरेडी ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपका क्या कहना है, आपने माफ़ कर दिया, मतलब आप ओके हो? कॉमेंट्स में बताओ। एंड मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ आपने अगर अपनी ड्यू डिलिजेंस कर ली है, आपने पढ़ लिया उस चीज़ के बारे में, आप जानते हो, तो आपकी मर्ज़ी यार, आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, उसका कॉम्पिटिटर ऐप डाउनलोड करना है करो, वो भी नहीं करना तो मत करो, या क्रोम से आप सेटिस्फाइड हो तो क्रोम ही यूज़ करते। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।